Heather's been. दिन रात तू मेरे स्वामी मैं भावनाए भाई मेरे स्वामी मैं भावनाए भाई हाथ के समय तुमको न भूल जाऊं हाथ के समय तुमको न भूल जाऊं अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं समता का भाव तर्क सबसे क्षमा कराऊं समता का भाव तर्क सबसे क्षमा कराऊं नहीं वेदना सतावे जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को बगाओ तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को बगाओ आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारों आत्म स्वरूप आराधना विचारों हरिहंत सीत साथ रटना यही लगाऊं हरिहंत सीत साथ रटना यही लगाऊं औषध विचार अवसर त्यागूं पानी औषध विचार अवसर टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं जीने की हो न वांछा मरने की हो न खोई जीने की हो न वांछा मरने की हो न खोई परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन मेराज संपदाया पद इंद्र का न जाऊं मेराज संपदाया पद इंद्र का न जाऊं रत्नोत्रय का पालन ओ अंत में समाधि रत्नोत्रय का पालन ओ अंत में समाधि शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाओ शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाओ दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए बाऊं रात मेरे स्वामी मैं भावनाए बाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं
इसमें ही पेज नंबर 36 अपना जो लेटर चल रहा है वही। नमो अरिंता नमो सुता नमो आयरिया नमो वज्जाय नमो लोये सौवसा नमो शनै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरक्षित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारक प्रधानम सर्व धर्माणं जैनम जयतस्वामी ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 108। ये पत्र आत्मज्ञान से पहले लिखा हुआ है। श्रीमद् राजचंद्र महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे और जब उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ था लेकिन 6 महीने में हो जाने वाला था, ऐसी अवस्था में ये पत्र किसी मुमुक्षु को नहीं लिखा है। ये पत्र स्वयं ने अपनी आत्मा को संबोधन करते हुए लिखा है। लिखते हैं कि हे जीव तू ब्रह्म में मत पड़, मतलब भूल भुलैया में हो गया है, खो गया है जीव। जहाँ दुख है वहाँ सुख लगता है, जहाँ सुख है वहाँ दुख लगता है। भूल गया है, रास्ता भटक गया है तो भ्रम हो गया है, गलत रास्ते को सही मान लिया, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। तुम दुखी क्यों हो, अशांत क्यों हो, टेंशन में क्यों हो, बोझा क्यों है सर के ऊपर, टेंशन क्यों है कि तुम रास्ता भटक गए हो। यहाँ पर उनकी आत्मा वही गुरु का स्थान में है, उनकी आत्मा उनको लेटर लिखती है। हे जीव तू ब्रह्म में मत पड़, तुझे मैं हित की बात कहता हूँ। अंतर में सुख है, सुख बाहर नहीं है, किधर धन दौलत इज्जत आबरू कुटुंब परिवार, यहाँ पर सुख नहीं है। सुख तो तेरे में है, अंदर में परमात्मा जहाँ है वहाँ सुख है, और परमात्मा इस बॉडी के अंदर है, बाहर नहीं है। मंदिर में मस्जिद में नहीं है, गुफाओं में नहीं है, ब्रह्मलोक में स्वर्गलोक में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तुम जहाँ हो वहाँ है और वहीं सुख है। अंतर में सुख है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है, उसमें स्थिति होने के लिए क्या करना, परमात्मा को देखने के लिए सुख पाने के लिए क्या करना, बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर, आश्चर्य बोलो। सम श्रेणी रहना बहुत दुर्लभ है, वहाँ अंदर में स्थिर नजर स्थिर रखना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, क्योंकि अनादि की आदत है, निमित्ताधीन वृत्ति पुनः पुनः चलित हो जाएगी। अब क्या करना उसको स्थिर रखने के लिए, चलित न होने के लिए अचल गंभीर उपयोग रख। 2 टिप्स दिए, बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर और अंदर परमात्मा को कांस्टेंट कंटिन्यूस देखने के लिए अचल गंभीर उपयोग रख। यह क्रम यथा योग्य रूप से चलता आया तो, अगर क्रम माने अभ्यास, ये प्रैक्टिस प्रयोग, बाहर से हट करके अंदर में अपने बॉडी के अंदर में बॉडी से अलग एक जानने वाला परमात्मा है, ये आँख नहीं जान रही, कान नहीं सुन रहे हैं, वो परमात्मा है जो आँख के द्वारा देखता है, जो कान के द्वारा सुनता है, जो जीवा के द्वारा चखता है, नाक के द्वारा उसको सुगंध दुर्गंध का बाण होता है। किसको, नाक को नहीं होता है वो बाण, किसको होता है, जो अंदर में परमात्मा है उसको, जो शरीर के अंदर तो है लेकिन शरीर से भिन्न है, केवल जानने देखने का काम करता है,
वहाँ नजर करने के लिए और शांति पाने के लिए क्या करना है कि एक तो बाह्य पदार्थों को भूल जाना है और दूसरा अंदर में स्थिर रहने के लिए अचल गंभीर उपयोग बहुत सीरियसली करना है काम। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम। एक भी पैसा नहीं लगता है लेकिन तकलीफ इसलिए है कि हमारा रुचि बाहर, हमारा जो गोल है वो बाहर से सुख लेने का है। ये गोल नहीं बदलेंगे ना तब तक हम परमात्मा को नहीं देख पाए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमको शांति का गोल नहीं है। हमको रुपया पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, इज्जत आबरू चाहिए, सत्ता चाहिए, हमको शांति नहीं चाहिए। हमको ज्ञान चाहिए, हमको शांति नहीं चाहिए। और परमात्मा किसको दिखता है? जिसको ज्ञान चाहिए उसको नहीं दिखता है, जिसको शांति चाहिए उसको परमात्मा दिखता है। ज्ञान चाहिए तो शास्त्रों के पास चले जाओ, पंडितों के पास चले जाओ, उनको सुनो समझो और अंदर माइंड में पूरा स्टोर करो, आप भी पंडित बन जाओ। लेकिन शांति चाहिए तो जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। शांति चाहिए तो अपने परमात्मा को देख भी सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि यह क्रम यथायोग्य रूप से चलता आया तो तुम प्रैक्टिस करेगा तो तू जीवन का त्याग करता रहेगा। तेरा ये जो दुखमय जीवन है, अशांत जीवन है, वो परमात्मा के दर्शन होते ही तेरे जीवन में सुख की लहर आएगी, शांति मिलेगी और ये दुखमय जीवन का तुम त्याग करेगा। लेकिन तुम हताश नहीं होगा, तुम निराश नहीं होगा, निर्भय हो जाएगा। निर्भय हो जाएगा मतलब क्या? तुझे मौत का भी डर नहीं लगेगा क्योंकि तुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। प्रैक्टिस करने से तुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो दुख दर्द मिट जाएगा हमेशा के लिए और तुझे डर भी नहीं लगेगा। तुम अकेले हो जाओगे तो भी डर नहीं लगेगा। रात को 12 बजे शमशान में जाना है तो अकेला तो जा नहीं सकता है, अब तुम जा सकेगा क्योंकि तुझे आत्मा कौन है पता चल गया है। तुम डरोगे नहीं, अब सामने मौत खड़ी होगी तो भी तुम डरोगे नहीं। ब्रह्म में मत पड़, तुझे हित की बात कहता हूँ। फिर से कहते हैं कि तुम ब्रह्म में मत पड़, तुम रास्ता भटक गए हो, अब गलत रास्ता छोड़ दे और अगर शांति चाहिए तो तुम अपने परमात्मा को देख, अपने भीतर देख, शांति वहाँ ही मिलेगी। आज अपना ये सातवां लेक्चर है, शायद आठवां लेक्चर है। अपने कुछ गलतियाँ अपने स्वरूप को नहीं देखते हैं परमात्मा को, इसलिए कुछ गलतियाँ हमारे से हो रही हैं। वो गलतियाँ कौन सी हैं उसका विवरण यहाँ दिया है, जो स्टार लिख करके दिए हैं ना 16 गलती है। ये 16 गलती जो है उनकी आत्मा ने कृपावदेव को कहा, पेज नंबर 36। इसमें से कुछ गलतियों की बात हमारी अब तक चली है 7 लेक्चरों में, आज 8वां लेक्चर है। हम क्यों परमात्मा को नहीं देख पाते हैं? लाखों माइल दूर सूर्य चंद्र तारे सब दिखते हैं लेकिन हमारे अंदर में छिपे हुए हम हमारी सूरत को नहीं देख पाते। क्या वजह है? वजह यह है कि अपने परमात्मा जो अंदर बैठा है उसके अलावा कहीं भी हमारी नजर बाहर जाती है तो हम दो डिवीजन करते हैं। कुछ पदार्थ हैं जिनको हम अपने मानते हैं, कुछ पदार्थ हैं जिनको हम अपना नहीं मानते। जैसे वाइफ को देखे तो मेरी वाइफ, बच्चे को देखे तो मेरा बच्चा, दुकान को देखे तो मेरी दुकान, नौकर को देखे तो मेरा नौकर, जूते को देखे तो मेरे जूते, मेरा ब्रश, मेरे कपड़े, मेरे चश्मे, ऐसा मेरा मेरा मेरा। बाजू में और किसी का चश्मा पड़ा होगा, नजर जाती है तो क्या बोलता है? ये मेरे नहीं है, उसके हैं। तो पहली गलती ये है कि हम अपने यहाँ परमात्मा को नहीं देखते हैं और बाहर देखते हैं तो फिर दो डिवीजन करते हैं, ये मेरा है और ये उसका है, जबकि ये दोनों बात गलत है।
हम पैदा हुए तो कुछ लेके आए थे क्या? कुछ भी लेके नहीं आए। माँ बाप कौन होंगे हमको पता नहीं, लेकिन जैसे सुध बुध आई तो ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, वहां से शुरुआत होती है। ये मेरे भाई, ये मेरे चाचा, ये मेरे चाची, ऐसा करके शुरू होता है। ये मेरे खिलौने, ये मेरा मेरा, वहां से चालू हो जाता है बचपन से। ऐसा करके बड़ा होता है, पढ़ लिख करके बिजनेस करता है तो मेरी दुकान, शादी करता है जिसको पहचानता नहीं था पहले, शादी से पहले माँ बाप शादी करा देते हैं तो ये मेरी वाइफ हो गई। बात बच्चे बाद में आते हैं तो ये मेरे बच्चे। और जहां जहां मैं करता है, इधर भी मैं करता है, वहां उसको संभालने की कोशिश करता है जी, और स्वयं को भूल जाता है। परमात्मा को कैसे भूलता है जी? जो अपने नहीं है उनको अपना मान करके वो अपने को भूल जाता है। तो परमात्मा को ऐसे भूलता है और जिंदगी भर यही चलता है, जीवन भर यही चलता है, भूलना होता है। ये मेरा है बोलते ही अपने आप को भूल जाता है, और उसका है उसमें भी अपने आप को भूलता है, क्योंकि नजर कहाँ है? ये मेरी चीज नहीं है तो ये उसकी है, मतलब नजर कहाँ चले गई? नजर बाहर चले गई। नजर बाहर चले जाती है तो परमात्मा के ऊपर नजर नहीं रहती है और शांति नहीं मिलती, जिंदगी बहुत भटकता है, दर दर ठोकरे खाता है, इधर उधर भागम दौड़ी करता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। आखिर एक दिन आता है यमराज उठा के लेके जाता है, जन्म हुआ बाद में बर्थ होगा, जन्म हुआ बर्थ हुआ और बाद में यमराज आता है तो डेथ हो जाता है। जिन जिन को अपना माना था वो सब एक साथ छूट जाते हैं, सब यहाँ का यहीं पड़े रहता है। सबसे ज्यादा प्रेम किसके ऊपर है? अपनी बॉडी के ऊपर। उसको जला देते हैं लोग, एक दिन भी रखते नहीं है, 12वां 13वां करके फिनिश मामला, थोड़े दिन में सब भूल जाता है कौन थे क्या थे। ये स्वार्थी दुनिया है, कोई अपने को याद नहीं करेगा। लेकिन जिंदगी के जो अमूल्य पल थे, अमूल्य समय था, वो अपने भीतर में परमात्मा को देखे बिना उसने दूसरों की फिक्र में गंवा दिए। देखो एक साल दो साल नहीं, पूरी जिंदगी गई ऐसी वेस्ट। फ्री होगा तो दूसरों की सेवा करना है, दुखी लोगों को सेवा करना है, उसमें गंवा देगा वो। बेचारा बहुत दुखी है, उसका करुणा करना है, उसको हॉस्पिटल में जाना है, खाना खिलाना है, उपमा भेजा, ब्लड डोनेशन करूं, इसकी खबर अंतर पूछूं, बेचारे का कोई नहीं है। अरे भैया तेरा कौन है? वो बेचारा है, तू कौन सा अच्छा है, तू भी तो दुखी है। उसका परमात्मा है, तेरा भी परमात्मा है, तुम अपने परमात्मा को देख सुखी हो जाए, वो अपने परमात्मा को देखेगा सुखी हो जाए। सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है दूसरा। जिसको भी सुखी होना है उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसको अपने परमात्मा को अपने बॉडी के अंदर देखना पड़ेगा, बॉडी से अलग लेकिन बॉडी के अंदर। आप पहले सीख लो कैसे सुखी होना है, कैसे परमात्मा को देखना है, शांति पालो, फिर जो भी दुखी लगे उसको ये विद्या दे दो कि देखो हमने ऐसा ऐसा किया, आप भी ऐसा ऐसा करो। आपको यमराज भी दुखी नहीं कर पाएगा, मौत आएगी तो बोलेगा तो लेके जा बॉडी, मेरे को नहीं चाहिए। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दो, तुझे बॉडी चाहिए लेके जा, तुम मेरे को तो हाथ लगाने वाले नहीं हो, लगा सकते भी नहीं, मैं वापिस दूसरी जगह जन्म ले लूंगा, ये बॉडी जाएगा दूसरा बॉडी मिल जाएगा, मैं कहाँ मरने वाला हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होता होने वाला है। अच्छा है, बहुत पुराना होगा है, लेके जाओ उसको, 40-50 साल हो गए, अब गाड़ी भी बदल देते हैं 10-15 साल में, कार भी पुरानी हो जाती है तो चेंज कर देते हैं, कपड़े भी 1-2 साल में पुराने हो गए चेंज कर देते हैं, ये बॉडी भी 40-50 साल हो गया, तुमको चाहिए लेके जा भैया, हमको नहीं चाहिए, हम दुखी नहीं है जरा भी। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बॉडी से अलग हैं, बॉडी में नहीं है,
बॉडी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मैं अलग वो अलग, मैं जानने देखने वाला और वो जड़ पदार्थ। ये तो मैं मूर्ख था कि मैं इसमें अपनापन करके बैठा था ये बॉडी में, जबकि उसमें कोई भी अपना नहीं है जी। इसलिए परमात्मा को क्यों भूलता है जीव, कि पैदा हुआ जब से उसको एक संस्कार डाले जाते हैं, ये खिलौना तेरा, ये उसका, ये रोटी तेरी वो उसकी, ये कपड़े तेरे वो उसके, ऐसे ऐसे संस्कार दृढ़ दृढ़, एक गलती गलती पे गलती, गलती पे गलती, एक और एक तीन कर दो और भी बाद में पूरे एग्जाम्पल करो, जितने भी करना है प्लस माइनस डिवीजन जो भी करना है, क्या होगा आंसर, क्या आएगा कि सही नहीं आएगा। क्योंकि मूल में गलती हो गई, मूल में ही अपने परमात्मा को नहीं देख करके, दूसरों को अपना मान करके, दूसरों की संभाल रखने में अपने को भूल गया ये जीव। वो 10 फूल्स वाली बात है, गिनती करते हैं तो गिनती करने वाला अपनी गिनती नहीं करता है। तो वहां सामने कितने लोग हैं, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अरे कहाँ चले गया, हम 10 थे, और दुखी हो जाता है, रोने लगता है। और 10 फूल्स की बात है। इसी प्रकार से हम अपने परमात्मा को भूल करके इस दुनिया में खो गए, रास्ता भटक गए। उसकी पहली गलती है ये मेरा है, और दूसरी गलती है ये उसका है, तीसरी गलती है कि हम बहुत दुखी हो गए, अभी हमको सुखी होना है, तो कुछ ना कुछ करना धरना है, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, कभी यहाँ से दुकान जाना है लेट हो रहा है, बैंक में पैसे डालना है, माल मंगाना है, ऊपर को लंच है, सामने वहाँ पिक्चर का पार्टी है, वहाँ जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, शादी में जाना है, उधर क्या है, कितने लफड़े हैं, सब काम है लिस्ट में, एक काम नहीं है लिस्ट में। कौन सा काम लिस्ट में नहीं है, अपने परमात्मा को अंदर देखने का, ये ट्रेजेडी है, ये काम नहीं है। और ये एक ही काम से सुख मिलने वाला है, लेकिन ये एक काम मिसिंग है, और जितने दुख होने वाले हैं, जितने टेंशन बढ़ने वाले हैं, वो सब के का सब काम करना है। हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, और लिस्ट कभी पूरी नहीं होती है, जिंदगी भर आज तक पूरी नहीं हुई, जिस दिन शमशान में जाएंगे ना उस दिन भी पूरी नहीं होंगी, 10, 20, 50 काम तो रह ही जाएंगे पहले, जब आंख बंद होगी तब 10 काम निपटाते हैं तो 20 काम आ जाते हैं, और उसमें से कुछ निकालते हैं और 50 काम आ जाते हैं। मतलब हमको धंधा ही यही करना है, कुछ ना कुछ करते रहना, और इसके लिए ढेर सारी प्लानिंग है। क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि अच्छी प्लानिंग से काम अच्छा होता है, इसलिए एडवांस बुकिंग, रिजर्वेशन एडवांस, सब एडवांस टोटल, क्यों कोई जगह नहीं मिलेगी इन मोमेंट। लेकिन भैया तुझे कहाँ जाना है, अपने अपने को छोड़ करके, और तुम जहां जाओगे अपने को साथ में लेके जाने वाले हो, घर बार रुपया पैसा तो यहाँ रहेगा, लेकिन तुम जहां जाओगे तेरी पूरी प्रॉपर्टी साथ में चलने वाली है, काहे की रिजर्वेशन चाहिए, जल्दी पहुंचना है, क्या जल्दी पहुंचना है, विमान में जाना है, कहां जाना है, तुम अपने को छोड़ करके कहां जाते हो, तेरा परमेश्वर तो तेरा ही है, हमेशा तेरे पास ही रहने वाला है, जो तेरे नहीं है उसको छोड़ोगे तुम, और तेरे नहीं उसके पास तुम जाओगे, जल्दी जाओगे लेट जाओ क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जिसको परमात्मा मिल जाता है उसकी प्लानिंग खत्म हो जाती है, और जिसको परमात्मा चाहिए उसको भी 1 सेकंड बाद की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, ये रूल है, अगर करेगा परमात्मा को नहीं देखेगा। हमारे पास बहुत सारे काम है, लेकिन एक ये भी काम है कि हम अपने परमात्मा को देखें, फिर सारे काम करना है उस पर ध्यान है, तो फिर अपना काम कब करोगे, कब कैसे करोगे, ये भी तो काम है ना, एक भगवान का दर्शन करना, साक्षात्कार करना, शांति पाना, ये कार्य नहीं है क्या, ये बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन दो काम साथ में नहीं कर सकता। इसीलिए थर्ड पॉइंट जो निकला है, इसके लिए ऐसा करना है, ये भविष्य निर्णय न कर, ये प्लानिंग मत कर, प्लानिंग 1 सेकंड बाद क्या करना है, नो प्लानिंग, 36 पेज के ऊपर
इसके लिए ऐसा करना है, ऐसा भविष्य निर्णय न कर, कुछ भी नहीं करना है। जब तक मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक मुझे कुछ भी करना नहीं है। आंख है लेकिन मैं अंधा बनना चाहता हूं, कान है लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता हूं, चबाना नहीं चाहता हूं, सुनना नहीं चाहता हूं। अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा हो जाना है, वॉलंटरीली जिंदा मर जाना है। अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए क्या करना है? ऐसे तो यमराज जाएगा और लेके जाएगा, तब सारे सेंसेस खत्म हो जाएंगे। आप काम करना बंद कर देवे, कान का सुनना बंद कर देवे, इसके पहले हम ही अपने परमात्मा को पाने के लिए वॉलंटरीली कुछ दिनों के लिए सब काम बंद कर देवे, अंधे, बेरे, लूले, लंगड़े हो जाए और एक ही काम बचा भी। कौन सा काम बचा है? अपने परमात्मा को देखो। हम क्या करते हैं, बाहर का भी ठीक ठाक रहना और ये भी मिल जाना मुफ्त में, और हम किधर नहीं जाएंगे, हमारे घर पे आकर के बुला के समझा के जाओ। और हम अभी तभी आएंगे जब हमको फुर्सत होगी तब। इसलिए आपको अगर हमारे को परमात्मा का ज्ञान देना है, आपको बहुत दया आती है हमारे ऊपर, तो आप हमारा अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे पास आना, और जब हम फ्री हैं तब हमको समझाना। और जब हम जो जब हमारे दिमाग में कौन सा भी, आप कुछ भी करो, आप खाना खाओ, नाश्ता करो, चाय पानी पियो, बिजनेस में हो, किधर भी हो, हमको जब भी विचार आएगा कुछ पूछने का तो हम टेलीफोन करेंगे और आपको जवाब देना है। क्यों? तो गरज किसको है समझाने की? सदगुरु को ना। करुणा किसको है? तुम्हारे वो सदगुरु। हमको तो हमारे टाइम पे जब पूरा घूम फिर लेंगे, रात व्यस्त कर लेंगे, उठा पटक कर लेंगे, हेरा फेरी कर लेंगे, इसके बाद अगर हमारे पास अगर टाइम बचा फालतू का, जब टीवी देख चुके सब कुछ हो गया, पार्टी बार्टी सब हो गया, अब थोड़ा टाइम है आधा घंटा पौना घंटा लिमिटेड, उस टाइम में अगर आपको कुछ दो शब्द कहना है तो कह देना, हो सका तो करेंगे, नहीं हो सका तो जय राम जी। नहीं तो ये बात है इसके अंदर, क्योंकि आदमी को फुर्सत नहीं है बिल्कुल। आपको आपको गरज है, हमको गरज नहीं है। इसलिए ये तो अभी हम क्या है, बहुत बोले तो आए हैं, बाकी हमको कहाँ बोले, क्या रोज बोलते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। चलो भैया सुन के आओ, कान तो है खुला ही है, कहाँ अपने को ध्यान रखने का, यहाँ बैठे बैठे दुनिया भर के विचार तो कर सकते हैं। अपन है, दकन नहीं है, आंख को दकन है, इधर बंद कर दो तो नहीं दिखेगा, लेकिन कान को दकन नहीं है, जाके बैठ जाना, क्या फर्क पड़ता है। ये केयर नहीं होगा तो परमात्मा नहीं दिखेगा, इसका मतलब कि आपको और भी कुछ काम करना बाकी है, और वो जितने भी काम है ये सब आपकी अशांति को बढ़ावा देने वाले हैं, दुखी कर देने वाले हैं। इसीलिए एक काम को छोड़ करके बाकी जितने भी काम हैं सब पेंडिंग कर दो, टोटल पेंडिंग। पहले ये काम करना है, मेरे को पहले परमात्मा को देख लेना है और पहले मेरे को शांति चाहिए, इसके बाद पैसा कमाना है तो बाद में, दुकान जाना है तो बाद में, वाइफ को बच्चों को संभालना है तो बाद में, साथ में नहीं। तो क्या बंद कर देना दुकान, यहाँ से ताला लगा देना है, यहाँ से दुकान मत जाना, क्या कर? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा, इंटेंशन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? एक्शन नहीं, इरादा। अब मैं दुकान जाऊंगा लेकिन मेरे दिल में एक ही बात है, कब मैं परमात्मा को देखूं। अब मैं घर में रोटी वगैरह बनाने का काम करूंगी लेकिन अब मेरा मोटो चेंज हो गया है, इनसाइड चेंज है। इनसाइड में मेरे को अभी यही काम है, कब जल्दी से फ्री होकर के मैं अपने परमात्मा का दर्शन करूं। पहले क्या था,
कि इंटेंशन नहीं था तो फिर दूसरे काम में ऐसे फंस जाते थे कि परमात्मा को भूल जाते थे। अब उल्टा हो गया, इंटेंशन चेंज हो गया ना अंदर का, बाहर से नहीं अंदर से। तो क्या होता है कि दुकान जाते हैं लेकिन अफसोस होता है कि कितना दिन मेरे वेस्ट हो जाएंगे, ऐसे कब देखूंगा परमात्मा, ऐसी अंदर की लगनी लगती है धीरे 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 धीरे, कहीं अच्छा नहीं लगता है। बिजनेस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है, समथिंग इज मिसिंग, मैं कुछ रास्ता भटक रहा हूँ, भूल रहा हूँ, वापिस वही गलती कर रहा हूँ जो अनंत काल से किया, ऐसा अंदर में कॉन्शियस बाइट करता है। ये अंदर में चेंज हुआ ना, टारगेट चेंज हुआ ना, तो ये होता है। इसलिए घर बार दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं है, टारगेट बदलने की जरूरत है। और टारगेट जब बदलोगे तो एक ही टारगेट है, क्या है, मुझे शांति चाहिए, क्या करूंगा रुपया पैसा लेकर के, दुनिया को जीत करके मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा, सिकंदर बन जाऊंगा लेकिन क्या होगा, पूरे वर्ल्ड को जीत लूंगा, सब मेरे काम आनेंगे लेकिन फिर कब तक, आखिर यमराज आएगा तो जाना ही पड़ेगा ना। ये चंद दिनों के सुख के लिए क्यों दुखी हो जाऊं बेकार, नहीं चाहिए मुझे राज्य संपदा, नहीं आता आपने इसमें, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। क्या चाहिए फिर तुम्हारे, तो मुझे शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रत्न त्रय का पालन हो अंत में आदि व्याधि उपाधि गई और क्या मिला, समाधि माने क्या, शांति, चिर शांति। रत्न त्रय का पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाओ। मतलब जब तक दृष्टि बाहर है तब तक जीवन में परेशानियां हैं, और जब परमात्मा को देखेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तो भविष्य का निर्णय नहीं करना है ये बात, दुकान नहीं जाना है, घर के काम नहीं करना है, ये बात इंटेंशन की है, प्रैक्टिस की नहीं। पहले अंदर में चेंज होता है, और अंदर में जिसको चेंज होता है उसको धीरे धीरे बाहर में चेंज होता है। और न भी हो गए, क्या कभी ऐसा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए तो दुकान छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है कि नहीं चाहते हुए भी दुकान जाना पड़ता है, क्या करोगे। जैसे अकेले दुकान में है रिटेलर, किराने की दुकान है, बीमार पड़ गया तो क्या करेगा, वो घर में बैठेगा तो काम नहीं होगा, अकेला है वो, जाना ही पड़ेगा। कोई भाई वगैरह होते तो आज मैं दुकान नहीं आऊंगा, लेकिन अकेला है तो क्या करेगा, जाना पड़ता है, गोली खा के भी वहां बैठना पड़ता है, दिन नहीं लगे तो भी बैठना पड़ता है, ये मजबूरी है। अटैक जैसा हुआ है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, राजी खुशी जाता है, अच्छा चलो आराम मिलेगा, ऐसा 7 दिन आराम करके आएंगे, सब टेस्टिंग करा देंगे, लाखों रुपए का खर्च और आराम मिलता है, लेकिन उसको नहीं चाहिए, उसको अच्छा नहीं लगता है। ये क्या करता है फिर, जाता तो है, क्या करता है, क्यों जाता है फिर, जाता है लेकिन अंदर में बहुत तकलीफ होती है, मजबूरी से जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया अगर बिस्तर से नीचे उतरे तो ऊपर पहुंचेंगे, ऊपर नहीं जाना है, इसीलिए मजबूरी है कि डॉक्टर जैसा नाच नचावे नाच लेना है, बोला वो टेस्ट कराओ, अच्छा रिपोर्ट नहीं लाया तो ऐसा नहीं होता है कि बेकार का क्यों खर्चा कराए, अच्छा हुआ कुछ भी नहीं आया, दुखी नहीं होता है जनाब, चलो एक डाउट निकल गया। लेकिन ऐसे बुद्धू डॉक्टरों के पास जाते क्यों हूँ कि जिसको पता ही नहीं, बेकार का खर्च कराते हैं, लेकिन अब कुछ तकलीफ नहीं, जरा भी तकलीफ, यहाँ तक कि ऑपरेशन फेल हो जाएगा तो मेरी किस्मत खराब थी, डॉक्टर तो अच्छा था, आखिर बात कहाँ आएगी, वहां तो सब गलती मेरे किस्मत की, अच्छा हुआ तो डॉक्टर ने किया, और नहीं तो पूरी गलती, फिर यहाँ क्यों नहीं करते हो जीवन के व्यवहार में।
कि तकलीफ होती है तो घर वालों की कोई तकलीफ नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, बेटे का दोष नहीं है, वाइफ का दोष नहीं है, भाइयों का दोष नहीं है, पार्टनर का दोष नहीं है, कस्टमर का दोष नहीं है, कुछ भी गलत हुआ नुकसान हुआ तो दोष मेरा है, ऐसा क्यों नहीं आता है? और अच्छा हुआ तो सबकी मेहरबानी से हुआ, ऐसा क्यों नहीं आता है? या उल्टा है, अच्छा हुआ तो मैंने किया, मैंने इतना कमाया, मैंने बंगला मोटर गाड़ी इज्जत आप, अब मैं और जरा कुछ हुआ उसने गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आया, वो मेरी बात नहीं मानता है इसलिए तकलीफ हुई, यहाँ उल्टा चल रहा है, डॉक्टर के पास उल्टा है, यहाँ उल्टा है, बेटा नहीं मानेगा गेट आउट घर में से बाहर निकलो, शरीर नहीं मानेगा तो बीमार पड़ जाएगा तो क्या करोगे, दवा पिला उसको दवा पिला दो, बेटे को समझाएगा नहीं, बेटा नहीं मानेगा, भैया तुम क्यों गलती करते हो, देखो इस पर जोर नहीं चलता है, उस पर जोर चलता है, उस पर दादागिरी चलती है बेटे के ऊपर, इसके ऊपर जोर नहीं चलता है, देखो तो सही है बात कितना उल्टा सुलटा है, वहां समता भाव नहीं रहेगा बेटा है तो, यहाँ समता भाव होता है चलता है, आदमी है ना होता है, बीमा तो पड़ता है, कोई बात नहीं दवा ले लेंगे वो कर लेंगे ये कर लेंगे, एडजस्टमेंट यहाँ एडजस्टमेंट है, बेटा नहीं मानेगा तो नो एडजस्टमेंट, मानना ही पड़ेगा, हम बोले ऐसा मैं तुम्हारा से बड़ा हूं क्या, मैंने बहुत दिवाली देखी है, तुम होंगे पढ़े लिखे लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूं, अनुभव की चीज जरूरत है, अनुभव मेरे पास ज्यादा है, मैं बोलता हूं ऐसा करो, मैं बोलता हूं चुपचाप चुप बैठ ऐसा करो, देखो कैसी बात है, कितना अभिमान है, ज्ञान का अभिमान, अनुभव का अभिमान नहीं, हमारा न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन हम नहीं जानते नहीं, लेकिन जनरेशन गैप तो रहेगा ना, विचार में फर्क तो रहेगा, नहीं मैं बोलूँ ऐसा ही करना है, हम हमारे घर में राजा है, तुमको मानना है तो रहे नहीं तो गेट आउट, आता ना इसको बोलना होगा, बीमार पड़े तो गेट आउट बोलना है, इसको नहीं बोलता क्योंकि इसके यहाँ चलती नहीं है, जहाँ चलती है वहाँ जोर चलाता है, देखो जो दबता है उस दबाते हैं, ये दबने वाला नहीं है, कितना भी बोलो कुछ भी नहीं मानेगा, बिना नोटिस बीमार पड़ जाता है, बिना नोटिस काम वाली नहीं आई तो बर्तन घसने के लिए तो क्या होगा, जैसा वो आने दो उसको, आने दो उसको, आने दो उसको, ऐसा 50 बार तो गुस्सा कर लेते हैं, इसके बाद जब आती है तो पहले काम बाद में, धन धना धन क्या देखो, और दिवाली पे अच्छी मिठाई देते हैं उसको, साड़ी देते हैं, क्यों मालूम है क्यों, क्यों देते हैं गणपति को चंदा क्यों देते हैं, डर के मारे गए, नहीं दिया तो कांच का दरवाजा कांच फोड़ देगा पत्थर मार के, काम वाली को भी अच्छे बख्शीश देते हैं, इनाम देते हैं, क्यों दिवाली पे, ताकि वो अपनी बराबर सेवा करे, और जताते हैं देखो तुमने मैंने कितना दिया तुझे, बार बार टॉर्चरिंग करते हैं उसको, देखो मैंने अच्छी साड़ी दी है अब ध्यान रखना, पूरा घर सफाई करा लेते हैं, मेहनत मजदूरी करा लेते हैं, 100 रुपए की साड़ी दे देते हैं, देखो और नहीं आई तो देखो देखो सफाई करने का है नहीं पड़ेगा, वो अपने घर का काम कब करेगी, नहीं नहीं हमारा काम पहले करो, सब सौदेबाजी है और इन सब सौदेबाजी में हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, हमको पता ही नहीं है, हम भूलते जा रहे हैं, इसीलिए भविष्य निर्णय नहीं करना, भविष्य का एक सेकंड तो निश्चित है, शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो फिर एक ही काम बचा है कौन सा, इसके अलावा कुछ भी करना है एक सेकंड बाद कुछ भी करना है तो आप परमात्मा को नहीं देख पाओगे, ये इसमें निर्देश है, थर्ड नंबर की लाइन, अब फोर्थ नंबर की लाइन, अपन थोड़ा रिविजन कर रहे हैं 7 दिन का, फोर्थ नंबर की लाइन में क्या है कि भूतकाल में हमने बहुत सी गलती की और बहुत दुख उठाया, हालांकि हमने एक एक कदम शांति के लिए उठाया था, बिस्तर में से उठे क्यों, दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए, फिर दांत क्यों साफ करें, दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए, स्नान क्यों किया था गरम गरम पानी से,
सुगंधी सुगंधी साबुन से क्यों ना आए थे? लाइफ बॉय नहीं चलता आजकल, लक्स वो ये भी चलता, लाइफ बॉय तो वैल्यू गया उसका, बहुत चलता था पहले, अभी गया उसकी वैल्यू, अभी लॉक्स और दूसरा कौन सा सिंथोल और जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है पालमोलिव क्या 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 आता है, अपने को नाम भी नहीं मालूम है, अपने पूरे नए नए लेके आते हैं लोग सुगंधी वाले, उससे नहाना धोना गर्म पानी अच्छा चाहिए सब, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, उसमें भी बहुत लफड़े हैं, जैसे चाय का चाय नहीं होगी तो नहीं चलेगा, फिर चाय में शक्कर नहीं होगी तो नहीं चलेगा, फिर शक्कर है लेकिन कम है तो भी नहीं चलेगा, है शक्कर लेकिन ज़्यादा है तो भी, कितने लफड़े हैं एक चाय के शक्कर में, एक चम्मच शक्कर में भी ज़्यादा कम नहीं होना, बिल्कुल परफेक्ट होना, रोटी चाहिए लेकिन कच्ची नहीं रहना, ज़्यादा पकी हुई नहीं रहना, जलने नहीं जाना, कहीं गोल नहीं मतलब गोल बराबर बनना, चौरस नहीं बनना, क्या कहीं ज्यादा पतला ज्यादा मोटा ऐसा नहीं रहना, बिल्कुल लेवल में रहना, रोटी खाने में इतनी लफड़े है ना, हर चीज में देखना, हर चीज में प्रॉब्लम, इतना डिमांड है और हम हर कदम उठाते हैं शांति के लिए और आज तक वैसा ही करते आए, जिंदगी चले गई इतनी, लेकिन आज भी हमारे लिस्ट में अशांति है, ढेर सारी इच्छाएं हैं, आज भी हम सुखी नहीं हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम खोजबीन करते हैं कि हमने कहाँ गलती की, हाँ समझ में आया कि हमने यहाँ गलती की, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा और एक डिसीजन और लेते हैं, क्यों की गलती, ऐसा क्यों किया, इसके बदले में ऐसा नहीं ऐसा करता तो आज कहाँ का कहाँ हो जाता, एकदम दिल्ली में मेरा राज होता था आज अगर मैं ये गलती नहीं करता तो, सबके अपने अपने सपने होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ गलती हो जो उसकी समझ में ऐसा लगता है कि अगर ये गलती मैं नहीं करता तो मैं आज सिकंदर होता, आई तो हर एक के सपने अधूरे रह गए भूतकाल में, वाइफ जैसे चाहिए थी तो नहीं मिले, कल मेरे को एक फोन आया था बेंगलोर से, क्या करें बहुत करे परेशानी हो रही, मतलब किस बात की परेशानी हो रही बहुत, क्या करें अभी कि बच्चे की सगाई कर दिए तो वही खत्म, फिर अब नहीं किए तो बोला कुछ नहीं, कर तो दिए लेकिन बहुत तकलीफ हो, नहीं तकलीफ किस बात की, अब तो सब बराबर है ना, सब देख के ही किए होंगे ना, सब कुछ बराबर, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, लड़की काली है, मैं बोला अभी आप मना कर सकते क्या, तो नहीं अभी तो नाक कट जा गया था, मना कर दो, अब अभी तो ऐसे फंस गए हैं मना कर नहीं सकते, सगाई हो चुकी है और अगर वो घर में आती है तो आजू बाजू वाले तो नाक काट लेंगे हमारे, क्या काय के लिए कर रहा है ऐसा, सब बच्चा इतना खूबसूरत गोरा है, बहू ऐसी काली काली लेके आए, क्या देख के किया, अभी दोनों बाजू से कटती है नाक, उधर भी मार इधर भी मार, अब क्या करें, मतलब करना क्या, अभी अपना किस्मत है, जहाँ लेखा जोखा होता है वहीं होता है, क्या नहीं दिल नहीं मानता है कुछ भी करो, बार 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 दिमाग में कोई बात, और दूसरा एक बात अवलोकन बिल्कुल नहीं चलता, अब तक अवलोकन बराबर चला लेकिन ये प्रसंग बनने के बाद 3 दिन से अवलोकन चलता नहीं, और जब भी मेरे बेटे की सूरत देखता हूँ देखती हूँ मैं, जब उसकी सूरत उतरी हुई है, वहाँ तो वहाँ कर लिया है, दिखा तो दिया था, उसने यस भी कर लिया, राजी नहीं, क्यों राजी नहीं है, क्योंकि लड़की काली है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम आ गया है, अब ये जिंदगी भर का प्रॉब्लम है, आपका लड़का भी जिंदगी भर पालेगा और आप भी पालना, और रोते रहना और गर्म बांधना देर सारे और अवलोकन बंद करना और जाना नरक में सीधा, क्या क्या करें, कि क्या उधर पड़ गई थी, मैं पूछा तो बोला दूसरा कोई चारा नहीं था, 20 लड़कियां देखने के बाद भी कोई वापिस नहीं आता था, तो फिर हमने भी करना पड़ा, अभी ये भी जाएगा मौका, हाथ से जल्दी निपटाओ,
लेकिन देखो कि लड़के को भी किस्मत कैसी है और हमारे को तो बहुत तकलीफ हो रही है। ये रियल फैक्ट, कल रात का फोन था। कभी फोन नहीं करते अपने आत्मा के लिए, कभी नहीं किए, लेकिन जब तकलीफ हुई ना तब गुरु याद आए। तीन दिन से हैरान हो गए हैं, अवलोकन नहीं हो रहा है, अशांति 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 है, खुशी नहीं है। सगाई हुई लड़के की लेकिन खुशी नहीं है। सबसे पहली पहला लड़के की सगाई हो रही, खुशी नाम की चीज नहीं है। देखे तो सही, आदमी कितना हैरान है, अब पछता रहा है, सब करने के बाद पछता रहा है। तो ये गड़बड़ है, हो गया हो गया, गलती हो गई हो गई, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ, अब पछताने में क्या होता है, वर्तमान खराब करता है जी। ये फोर्थ नंबर का पॉइंट ये है कि जो भी गलती हो गई हो गई, अब इसको निपटाओ, समाधान करो, समझौता करो, बार बार उसको मुख्य करके अपने परिणाम मत खराब करो। सुख दुख जो भी हम लिखा के लाए ना, वैसा ही होने वाला है, उसमें हमको समझौता करना ही पड़ता है। क्या करें, एक गाल पे तिल है, अब क्या करो, निकाल सको, काट लोगे उसको, क्या करो, क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करते हैं, माँ बाप को काले होते हैं तो क्या करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, गोरे ही चाहिए ऐसा कमी कंडीशन था क्या तुम्हारा, क्या कर सकते हैं। जीवन में कितना समझौता करते हैं, हमको सब कुछ द बेस्ट चाहिए लेकिन मिलता है क्या, सबको सीता जैसी बहू चाहिए लेकिन रामचंद्र जी हो क्या, सबको लक्ष्मण जैसा देवर चाहिए लेकिन आप हो क्या, इसके योग्य हो क्या, सबको सब कुछ मिलता है क्या? फिर ऐसा नहीं तो ऐसा करता तो अच्छा होता, ये बात कहां से आई और क्यों बोल रहे हो और क्यों वर्तमान बिगाड़ रहे हो भूतकाल का, अब वर्तमान नहीं बिगाड़ना है। ये फोर्थ नंबर का पॉइंट, परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, परमात्मा एक इंच भी दूर नहीं है, जहां हम है वहां इधर ही है, कहीं मंदिर मस्जिद गुफा में जाना नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ना नहीं है, कोई पूजा भक्ति करनी नहीं है, क्या उपवास आदि नहीं करना है परमात्मा को पाने के लिए। खाना से खाने का में खाने खाने से पाप होता है, उस पाप से बचना है तो उपवास करना, लेकिन शांति चाहिए तो वो भी करने की जरूरत नहीं, शांति चाहिए तो एक ही काम करना है, इधर देखना। बहुत हैरान हो गए हम, अशांत हो गए हम, तो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए प्रभु के शरण में जाकर के मंदिर में जाके बैठना, मंत्र जाप आदि जो भी करना है करना, ताकि माइंड डाइवर्ट हो जाए, थोड़ा दुख कम हो जाए। लेकिन शांति चाहिए तो एक ही रास्ता है, किधर जाने की जरूरत है, इधर अपने परमात्मा को देखना है। वहां मंदिर में परमात्मा नहीं है आपका, मंदिर में उस परमात्मा की मूर्ति है जिसको देखकर आपको लग ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये भगवान भी पहले मेरे जैसे भटक रहे थे संसार में, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी साधना की कि आज वो इस पोस्ट पे हैं। मैं उनके दर्शन करके ये जाना भावना बाता हूँ कि आज मैं भटक रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपके जैसे साधना करके मैं आपके जैसा बनूंगा। ये भगवान की मूर्ति जो है ऊपर जो निगाह ऐसा ही मंदिर में भी रहती है, ये मेरे भविष्य का फोटो है। आज मैं ऐसा नहीं हूं लेकिन मेरा बुढ़ापा ऐसा होगा, क्या मेरे फाइनल पोजीशन ऐसी होगी, जब केवल ज्ञान होगा तब मुझे कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा, हाथ पे हाथ धर करके, पैर पे पैर रख करके, बिल्कुल शांति में बिल्कुल विराजमान हूं, तब मेरी ऐसी पोजीशन होगी, वो भी कुछ दिनों के लिए होगी, बाद में तो बॉडी भी नहीं रहेगी और निराकार भगवान बन जाऊंगा, सिद्ध भगवान बन जाऊंगा, ये मेरा आखिरी गोल है। परम शांति में किसी का भी थोड़ा भी उपकार मेरे को नहीं चाहिए, डिपेंडेंस नहीं चाहिए, बॉडी का नहीं चाहिए मुझे डिपेंडेंस, एक भी काम बाकी नहीं रहना, ऐसी स्थिति में लाना चाहता हूँ, संपूर्ण सुख में पाना चाहता हूँ, ये मेरे बुढ़ापे की अवस्था होगी। ऐसी ये देखने के लिए मंदिर कभी जाना है तो जाना, लेकिन शांति पाने के लिए कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ना है, मंत्र नहीं करना है, खाना पीना छोड़ना नहीं, वर्षित परचित कुछ नहीं करना, एक ही काम करना, अपने अंदर में अपने भगवान को देख लेना है। लेकिन उस देखने में बाधा क्या है,
चार मुद्दे आ गए, ये मेरा है, ये उसका है, भविष्य में ये करना है, ढेर सारी प्लानिंग, और भूतकाल में इतनी गलती की, रोना रोता है और वर्तमान भी गाता है, चार गलती हो गई। अब आज आठवें लेक्चर में हमको फिफ्थ गलती लेना था। वो फिफ्थ गलती कौन सी है? एक तो मेरा घेरा वाली गलती हो गई, नजर बाहर गई और मेरा घेरा कर दिया, वो गलती हो गई। दूसरी गलती भविष्य काल की, ऐसा करना है वैसा करना है, बहुत सारे प्लानिंग। चौथी गलती भूतकाल में हमने ये गलती की, पछताना हो रहा है, रोना धोना हो रहा है, सॉरी सॉरी हो रहा है, ये गलती है। अब भूतकाल और भविष्य काल को भूल करके, मेरा घेरा छोड़ करके अब अपने परमात्मा को देखने को बैठा है। देखो ये पांचवें नंबर की गलती, देखो क्या है, क्या कहते हैं, इतना इस प्रकार से हो तो अच्छा, ऐसा आग्रह न कर रख। अब बहुत नजीक आया है, अब भूतकाल भविष्य के विचार नहीं, मेरा तेरा का विचार नहीं, परमात्मा को देखना है और आज ही देखना है, पेंडिंग नहीं रखना है। लेकिन कंडीशंस, मेरा बॉडी ठीक रहना, भूख नहीं लगना, ठंडी नहीं लगना, गर्मी नहीं लगना, बिस्तर अच्छा होना, ठिकाना अच्छा होना, मच्छर नहीं होना, कमर नहीं दुखना, कंटाला नहीं आना, कोई टेलीफोन नहीं बजाना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। देखो अब मैं ध्यान में बैठा हूँ, मेरे को हैरान नहीं करना कोई, और आँख बंद करके बैठता है और गली में कुत्ते भौंकते हैं क्या डिस्टर्ब? अब वो अपने कंडीशन, वो कुत्ते को बोलो कि बंद करे बोलना, बसना, क्योंकि मेरे कान में घुस जाते हैं और मैं परमात्मा को नहीं देख पाता। ये क्या है? ये आग्रह है। ध्यान में बैठा है और किसी बच्चे ने जोर से दरवाजा बंद किया, खलास दिमाग खराब, कौन था ये सर? कल नहीं है क्या? मैं ध्यान में बैठा हूँ, समझ में नहीं आता है, किसी उपकार कर रहा है दुनिया भर के ऊपर, ध्यान में बैठा है, परमात्मा को देखने बैठा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है? आप लोग सब देखो, ध्यान रखो भाई, क्या ये क्या है? ये आग्रह है। बैठा है चुपचाप, सब लोग गजाओ, जान जाना है, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, खाना पीना खा के आराम से एकदम प्लेस बना करके बैठा, इतने में डोर बेल बजाए, खलास दिमाग गया, अभी आना था क्या? स्त्री वाला बाहर देकर गाया दे जाता है, क्या तुमको अभी आ, ये टाइम है क्या आने का? अभी क्या करता है? कितने सारे आग्रह हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वाघ मारने जा रहा है, वो क्या करने जा रहा है? सबके ऊपर उपकार कर रहा है, देखो अपने आत्मा को देख रहा है। और कितने सारे कंडीशंस, बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए, वाइफ को तकलीफ नहीं होना, बच्चों को तकलीफ नहीं होना, कोई आजू बाजू वाले मुझे कुछ बोलना नहीं कि भाई तुम ध्यान क्यों करते हो, पहले दुकान जाओ, ऐसा कोई नहीं बोलना। अड़ोस पड़ोस वाले, घर वाले, कोई डिस्टर्ब, कोई मेरे को उंगली नहीं उठाना कि नहीं तुम, सब लोग बोलना कि हाँ तुम आराम से ध्यान करो, हाँ कोई बात नहीं, दुकान जाने की जरूरत नहीं, हम कुछ कर लेंगे। देखो अगर कोई बोला तो डिस्टर्ब हो जाता है, वाइफ बोलती है आत्मध्यान करते हो, शादी क्यों की मेरे, पहले सोचना था आत्मध्यान करना है, मेरे को दुखी किया बेकार। हम आत्मध्यान तो ही करेंगे जब कोई हमको आजू बाजू वाले कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब राजी हो जाएंगे, सब हमको हेल्प करेंगे। अगर कोई एक भी नाराज होगा तो फिर हमको आत्मध्यान नहीं करना है, क्योंकि हम उसको दुखी क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो तो हमारे है ना, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे मेरा मेरा है ना, उनको दुखी नहीं करना है। मैं दुखी हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, भाई नरक में जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं सबका कल्याण करने वाला हूँ, सबका हितैषी हूँ, कोई उंगली नहीं उठाना मेरे ऊपर, ये आग्रह, ये वर्तमान के आग्रह। 3 घंटा पिक्चर देख सकता हूँ, कमर भी नहीं दुखती है, पैर भी नहीं दुखते हैं, मन बिल्कुल शांत रहता है, और आत्मज्ञान करने बैठा हूँ तो 10 मिनट में कमर दुखती है, और क्या पैर में खाली चढ़ जाती है, क्या चढ़ जाती है, आप बैठ के देखना, मेरे अनुभव होते हैं क्या, थोड़ी देर ऐसा बैठना आत्मज्ञान करने के, आँख बंद करके
देखो कितना कितना प्रॉब्लम आते हैं। घड़ी घड़ी एक मच्छर आकर के नाक पे बैठ जाता है, अब क्या करें? और उसको कैसे समझाया कि भैया मैं आत्मज्ञान करने बैठा हूँ, आप समझो जरा, थोड़ा देर तो शांति से रखो। लेकिन नहीं, वो नहीं मान। देखिए ये पांचवा नंबर की गलती कि देखो अब मैं कितना सुधर गया हूँ, मेरा तेरा नहीं करता हूँ, किधर भी मोह नहीं। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊ, सबको हटा करके बैठ गया। न भूतकाल की याद आती है, न भविष्य में इंद्र बनना है, न राज्य संपदा, न पद इंद्र का चाहो, कुछ नहीं चाहिए। भोगे जो भोग पहले उनका न हो, इसमें सबको भूल गया, भूतकाल को भूल गया, भविष्य काल को भूल, सब भूल करके परिवार मित्र जन से सब हटा करके, न जीने की वांछा न मरने की ख्वाहिश, सब ठीक ठाक करके बैठा हूँ। अब देखो क्या होता है, कितने डांस करता है देखना है मन। क्या शांति से बैठ पाएगा? ये नहीं बैठ पाता है। क्यों? आग्रह, अपनी कुछ कंडीशंस। देखो अभी परमात्मा को नहीं हुआ, अमिताभ बच्चन आता है, तकलीफ होती है तो भगवान तुमने मुझे ये तकलीफ दिया लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला, तुमने और भी ये तकलीफ दिया फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, तुमने वो भी तकलीफ दी तो भी मैं कुछ नहीं मांगा आज तक, लेकिन आज ऐसा करके वो जैसा डंडा लेके आया है ना, ऐसा आता है जोर से घंटा बजाता है। आज देखो, आज मैं मांगता हूँ, खबरदार अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया तड़स तड़स कर दूंगा। आज तो तुझे मेरी बात मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तेरी भक्ति कर रहा हूँ, अभी शरण में आया हूँ, और शरण में आया हूँ तो तेरे ऊपर मैं बहुत उपकार कर रहा हूँ। क्या इसलिए देखो अभी अभी आज मेरे को वापिस नहीं लो, आज तो ये उसकी जिंदगी बचाना तेरे हाथ में है, अब कोई नहीं है रखवाला। अगर वो मर गया ना खलास, देखना फिर तो क्या, फिर तो जैसा मार डालेगा भगवान को, बम फेंक डाल देगा उसके ऊपर। ये इतनी कंडीशन, सरेंडरशिप है, दादागिरी है, सरेंडरशिप। क्या ये भिखारी है, ये भगवान है क्या? ये ऐसे भिखारियों को भगवान कुछ भी थूकता भी नहीं उसका। इस प्रकार से हमको आत्मध्यान नहीं करना है, कुछ मांगना तो कलास हो गया, भिखारी हो गया, मिलता ही नहीं कभी। मैं भगवान परमेश्वर हूं, इसलिए सोगानी जी के वचन याद आते हैं, पर्याय को मेरा ध्यान करना है तो करें, मैं किसका ध्यान कर रहा हूं, मैं तो परमात्मा हूं। मेरा ध्यान किसको करना है तो करे, भगवान, मैं भगवान का ध्यान करने वाला नहीं, मैं खुद भगवान। ऐसा करके जब बैठता है तो अनुभव होता है, आत्मा का दर्शन होता है। नहीं मुझे जल्दी से आत्मा का दर्शन, 5 मिनट हुए अभी नहीं हुआ दर्शन, फिर बैठता है, मुझे ध्यान से बैठूं, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन करके एकदम उपयोग लगा करके ध्यान से बैठता है, आंखें ऐसा कर देता है, ऐसा उनका एक्शन कोई जबरदस्त होते हैं, क्या देखना फोटो एक वीडियो लेकर के निकालना, ऐसा ऐसा मिट्टी ऐसा टाइट करके ऐसा, और देख और अंदर जाऊँ और अंदर जाऊँ और अंदर जाऊँ, दिमाग फट जाएगा। क्या इतने सारे आग्रह, क्या भिखारी ऐसा मांगने आए हो? 10 मिनट अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, कब होगा? ये भीख मांगने आया है और कुछ नहीं है, ये परमात्मा के लक्षण नहीं है। परमात्मा बोलता है आना है तो आ सुख मेरे पीछे, मेरे को सुख भी नहीं चाहिए। क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं परमात्मा हूँ स्वयं। तो ये तरीका है, वर्तमान में सब कुछ भूल गया, मेरा तेरा भूल गया, भविष्य काल भूल गया, भूतकाल भूल गया, लेकिन वर्तमान में किस ढंग से, किस प्लानिंग से हमको परमात्मा को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहां से वापस जाओगे। तो ये अब इसके ऊपर डेवलपमेंट थोड़ा करना है, समय खत्म हो गया है, कर लेंगे। पांचवा नंबर की गलती है कि वर्तमान में ही काम करने को बैठा है, आत्मध्यान करने बैठा है, तब न जाने कितने सारे प्रॉब्लम उसके आते हैं, उसमें गलती स्वयं की होती है, उसको थोड़ा जितना हो सके हम डेवलप करें। सुखदा
सद्गुरु देव जय।